चुनाव एक्सप्रेस से मचे हंगामे के बाद हम कुछ सुकून ढूंढने आ गए और इंदौर जब मैं आ रही थी तो मुझे कहा गया था कि आप इंदौर में 56 दुकान जरूर आना और आप समझ ही गए होंगे एम्बियंस देखकर जगह देखकर कि हम 56 दुकान पर हैं। और मेरे साथ है बहुत टैलेंटेड जोड़ी, मतलब एक टैलेंटेड ग्रुप है ये परफॉर्मर्स का। ग्रुप का नाम है प्रारंभ द बिगनिंग। पहले मैंने नाम गलत दिया था तो ये प्रारंभ द बिगनिंग है। आपका नाम क्या है? हर्षित वर्मा। हर्षित, आप क्या बजा रहे हैं गिटार? मैं गिटार प्ले करता हूँ प्रारंभ द बिगनिंग बैंड के अंदर और फ्रीलांसिंग करता हूँ। साक्षी मेहरा, मैम मैं मैनेज करती हूँ इस बैंड को। आप मैनेजर हैं? यस। मेरा नाम वंश है और मैं प्रारंभ में वोकलिस्ट भी हूँ प्लस गिटारिस्ट भी हूँ। हेलो मैथ दीपांश भार्गव, मैं एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ गिटार और वोकलिस्ट। आई एम अमन सिंह ठाकुर, आई एम प्लेइंग अ कैसोना। इनका एक और मेंबर है जो अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन होपफुली ही जॉइन अस। तो आप लोग क्या क्या बजा लेते हैं? हमारे बैंड में इलेक्ट्रिक गिटार, ड्रम्स, ऑक्टा बैंड, केजो ऑन गिटार और बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फ्लूट और कीबोर्ड भी बजाते हैं। हमारा 7-पीस बैंड है। अच्छा, फैमिली खुश है? हाँ, फैमिली खुश है आपकी हॉबी से? फैमिली खुश है और बोलती कभी कभी की पढ़ाई को भी साथ में लेकर चलो पर हम मैनेज हो जाते हैं। सुनाइए कुछ अच्छा भी, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ ना एक और ग्रुप है जिनकी परफॉर्मेंस के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे। और देखिए ये यूथ है तो ये एक्सपीरियंस ग्रुप है हमारे साथ यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मैं कवि प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ जी। सर आपका? विकास लोया जी। महिमा मनस्वी। बताते रहिएगा मुझे। लव कुमार यादव। शुभम स्वराज सांवेर इंदौर से। कौन आपके ग्रुप में जी? असीम शुक्ला। कवि आशीष पवार। और कोई कवि छूट गया यहाँ पर? आपका? हाँ ठीक है। एक और कवि जी आ गए हमारे साथ, कवि सुरेश जी। सुरेश अजनबी जी यहाँ पर आ जाइए सर। तो सर स्टार्ट करेंगे हम, एक एक करके जाएंगे ठीक है। यूथ भी एक्सपीरियंस भी सब आ जाएगा सर, कोई बात नहीं। आप कोच के साथ आपकी कविता का पाठ करेंगे ना आपको। आप देखिए इंदौर में चुनाव का माहौल चल रहा है पर ये जितने भी यूथ बैठे हैं और जितने भी लोग हैं इनसे एक गलती हो जाती है कि चुनाव के बाद में इनके व्यक्तिगत संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं, पार्टी के चक्कर में खराब कर लेते हैं। और अभी देश के हालात क्या है, मैं चार पंक्तियां आपके सामने रखता हूँ, एक नसीहत भरी पंक्तियां, आप सुने आनंद आएगा आपको। कि राजनीति किसी की भी नहीं सहधर्मणी है, राजनीति किसी की भी नहीं सहधर्मणी है। सोशलिस्ट को भी नेशनलिस्ट मूड हो गए, जो तक सोशलिस्ट थे आज नेशनलिस्ट बने घूम रहे हैं, तो सोशलिस्टों के भी नेशनलिस्ट मूड हो गए। जंक फूड ने जो नया रेस्टोरेंट ज्वाइन किया, हेल्थी है आज सारे जंक फूड हो गए। तो लोकतंत्र तो क्यों रे लोकतंत्र कैसे यार दोस्त तेरे तेरे, टिकट नहीं मिला तो सारे रूड हो गए। और कल तक जो की बैड बॉय बने घूमते थे लोटस के साथ आके सभी गुड हो गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट किसका नंबर है सब बता दीजिए जी। अजनबी। सुरेश अजनबी। मैं सुरेश अजनबी आप सभी को नमस्कार करता हूँ न्यूज 18 के माध्यम से। और अभी जो शोर मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे बड़ा शोर तो एक ही, भैया आएगा तो मोदी। और क्यों आएगा? कि देश को गढ़ना सदा बढ़ना सिखाया है, देश को गढ़ना सदा बढ़ना सिखाया है। एक संत मेरे देश की गादी पे आया है
और भारत बनाने वाले खुद बनकर चले गए और मोदी ने मेरे देश को भारत बनाया है, मोदी ने मेरे देश को भारत बनाया। ठीक है, तो ये हमारे एक्सपीरियंस का भी हो गया। आ रहे हैं सर, अब एक बार वापस यूथ के पास चलते हैं। जी यूथ के पास अब क्या है? एक बार नेक्स्ट सॉन्ग में अरिजीत का गाना चाहता हूँ, दिल संभल से जरा। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला जिसे मैं था ढूंढता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, वो जब से मैं अपन फिर मोहब्बत करने चला है तू। देखिए कहा भी जाता है कि आगे वही बढ़ता है जो समय के साथ चलता है। अजनबी जी ने लगता है वो उस फॉर्मूले को बखूबी समझ लिया है। सर अब कवियों में कौन आ रहा है, अगला नंबर किसका है मैम आपका? जी पहले एक मुक्तक मैम माइक के पास। चुनाव जो आ रहा है उस पे एक मुक्तक पहले पढ़ूंगी कि जीतेगा वही जो जय श्री राम बोलेगा, जीतेगा वही जो जय श्री राम बोलेगा, देखना ये 24 का परिणाम बोलेगा, देखना ये 24 का परिणाम बोलेगा। और कितने ही गठबंधन कर ले ये विपक्ष वाले, कितने ही गठबंधन कर ले ये विपक्ष वाले, पर आएगा तो मोदी क्योंकि काम बोलेगा, आएगा तो मोदी क्योंकि काम बोलेगा। और एक मैं पैरोडी पढ़ना चाहूंगी जी। अखिलेश की ये साइकिल टूटेगी होगा पैदल, और माया का ये हाथी वो भी हो जाएगा घायल। अब हर जगह कमल 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 खिलेगा, इस 24 में तो फिर से मोदी जीतेगा। ठीक है, जनता भी हमारे साथ यहाँ पर। आप जनता क्या देखेगी, आप इनको खड़े करेंगे तो किन्हें खड़ा करना है सर? नहीं नहीं सब खड़े बीच में हम क्या सुनेंगे? कभी सर जहाँ जहाँ बाहर आ, आप चाहे तो आगे आ सकते थे, मैं आपके पास आई ना बताएंगे। क्या चल रहा है इंदौर में? इंदौर में हम कल ही आए, पुणे से आए। अच्छा आप पुणे से आए, क्या चल रहा है पुणे में? पुणे में तो बहुत गर्मी बहुत है। मैं पॉलिटिकल टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। पॉलिटिकल इज वेरी हॉट इन पुणे, ऑल वेव इज बीजेपी। आप भी पुणे से? नहीं मैं नागपुर से हूँ। आप मतलब महाराष्ट्र से? वहाँ क्या चल रहा है? बीजेपी। कैसा लगा इंदौर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जी। अब हाँ जी, ऐसा है कि वर्तमान परिदृश्य में जब चुनावी माहौल चल रहा है तो मैं एक बात दोनों दलों के प्रत्याशियों के लिए कहना चाहता हूँ कि देखिए चुनाव के दौरान हर प्रत्याशी कहता है कि हम जीते तो जनता को ये देंगे वो देंगे, तो बतौर वोटर एक व्यक्ति बोला, हर बार जनता राजनेता का भरोसा करती है, कभी नेता भी तो जनता पर भरोसा करे। आप जो जनता को देना चाह रहे हैं चुनाव के पहले दे दें, अगर आप जीत गए तो आपके वादे और सौगाते जनता रख लेगी, और हार गए तो हम वापस कर देंगे। बस इसी हार जीत वादाबाजी और वादा खिलाफी को देखकर एक शेर सुनाना चाहता हूं कि जहां तक मुझसे मतलब है जहां को वही तक पूछा जा रहा है, जमाने पर भरोसा करने वालों भरोसे का जमाना जा रहा है। जी आज जो चुनावी माहौल चल रहा है उसमें बस एक नसीहत की कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा। हमने ये देखा है कि लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा के चलते आपस में मनभेद पाल लेते हैं, मतभेद उनके कब मनभेद में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, रिश्ते टूट जाते हैं। जी रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। तब कहना चाहता हूं परायों की इबादत में
अजीजों से जिरह कर ली, परायों की इबादत में अजीजों से जिरह कर ली, हंसी महफिल जला कर राख हमने बेवजह कर ली, हंसी महफिल जला कर राख हमने बेवजह कर ली। इधर दोनों तरफ प्यादे हुए हैं खून के प्यासे, इधर दोनों तरफ प्यादे हुए हैं खून के प्यासे, उधर दोनों वजीरों ने न जाने कब सुलह कर ली, उधर दोनों वजीरों ने न जाने कब सुलह कर ली। एक और बात कहना चाहूंगा कि आज चुनावी माहौल में जो राजनीतिक पार्टियां फ्री के वादे किए जाती है, मुफ्त रेवड़ी बांट रही है, वहां एक मध्यम वर्गीय करदाता की जो पीड़ा है वो चार पंक्तियों के माध्यम से रखता हूं। कर्ज माफी मुफ्त राशन लुटा दो आपका है क्या, कर्ज माफी मुफ्त राशन लुटा दो आपका है क्या, पसीने से कमाया धन हमारे पाप का है क्या, पसीने से कमाया धन हमारे पाप का है क्या, धवलधारी है अवतारी हमारे कलयुगी कर्णों, धवलधारी है अवतारी हमारे कलयुगी कर्णों, लुटाते फिर रहे जो तुम तुम्हारे बाप का है क्या। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस यूथ की तरफ। जी नेक्स्ट सॉन्ग क्या है? पहले बताओ वोट देते हो कोई? देती हूँ मैं, देती हूँ। देते हो ना? देते हैं, देते हैं। जी ठीक है, अब सबका फेवरेट होने वाला है सॉन्ग खामोशिया। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वही पे ठहरा हुआ, बताऊं हो गई है यहाँ पर हमारे साथ, लेकिन जनता हमें देखकर मुड़ने लगती है। क्या नाम है आपका? वसुधा। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत ही अच्छा, मजा आ रहा है। हम जहाँ जाते हैं, फ्यूजन आपने क्रिएट किया है सिंगर मतलब यंगस्टर्स एंड एक्सपीरियंस के साथ, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच, हमारा काम ही है। अच्छा आप इंदौर की लोकल हैं? हाँ हाँ मैं इंदौर। कैसा लग रहा है इंदौर में आजकल? बहुत ही अच्छा। अभी थोड़ा माहौल वैसा हो रहा है चुनाव का, और अब ये उस माहौल में ये चीज करवाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि पॉलिटिकल माहौल कैसा है? पॉलिटिकल माहौल वही, सब लोग अपनी अपनी पार्टियों के धंधे में लगे हुए हैं, मेरा तो कहना यही है। तो बस सब लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, और जिसे काम करना है वो काम कर रहा है, जिसे प्रचार करना है दिखावा करना है वो दिखावा कर रहा है। वोट देती हैं आप? मैं फर्स्ट टाइम वोट करूँ। गुड गुड, फर्स्ट टाइम वोट करूँ, वोट दीजिएगा। ठीक है, अब वापस बैक टू आर कवीज, बैक टू आर कवीज, बैक टू आर कवीज। जी माइक कौन क्यों छीनते हो आप लोग? मेरा एक ही हथियार है मेरे पास। हमारी आदत है ना, हम कवि हैं तो।
न्यूज 18 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। नेता जो कार्यकर्ता नेताओं के लिए इतने सारे काम करते हैं, बदतमीजियों पे उतर जाते हैं, उनके लिए मैं एक कविता लिखा हूँ मैम। दो बंद की कविता है, उसमें पहले भूमिका की चार पंक्तियां सर सुनिएगा कि चुनाव के समय में कहां कोई इंसान मिलेगा। पढ़ना जी, चुनाव के समय में कहां कोई इंसान मिलेगा, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई मुसलमान मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कार्यकर्ताओं, ये जब चुनाव निकल जाएगा हर व्यक्ति केवल रोजी रोटी के लिए परेशान मिलेगा। सुने उन कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि अभी आपने एक शो किया जिसको हम देख रहे थे, जहां जो हुआ आप निराश हो, इसके लिए मैं इंदौर वासियों की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूं। नेता क्या अपने कार्यकर्ताओं से वादा करते हैं कि वोट दिलवाओ हमें सारा काम करा देंगे, वोट दिलवाओ हमें सारा काम करा देंगे, नौकरी छुड़वा कर ठेकेदार बनवा देंगे, विधायक न बनवा पाए तो पार्षद ही बना देंगे, युवा नेता के पोस्टर सारे शहर में लगा देंगे, जितने भी केस हैं सबसे बड़ी करवा देंगे, अगर चुनाव जीत गए तो अपना राइट हैंड बनवा लेंगे। लालच देखिएगा मैम, कैसे कैसे कार्यकर्ताओं को लालच दे रहे हैं, जो बदतमीजी कर रहे थे। तुम्हारे पास भी फॉर्चुनर जैसी लग्जरी गाड़ी होगी, सारे शहर की जनता बस तुम्हारी होगी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बहुत प्यारी होगी, ये सब तब होगी जब जीत हमारी करारी होगी, तुमको कार्यकर्ता से हम नेता बना देंगे, अगर चुनाव जीत गए तो राइट हैंड अपना बना लेंगे। ऐसे नेताओं के, अब मेरी सीख ये है आपके माध्यम से, आपके चलन में दिखाएंगे शायद कार्यकर्ताओं समझ जाएं कि ऐसे नेताओं के चकल्लस में न पड़िएगा, सबसे पहले इनके दिमाग को पढ़िएगा, जो जनता हित में काम करे उसको चुनिएगा, दलाली नहीं अच्छी राजनीति करिएगा, अपने कर्म और भलाई पर भरोसा रखिएगा, और अगर जनता ने चाहा तब नेता बनिएगा। वाह वाह, बहुत कूल। नमस्कार, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा हिंदुस्तान है वो शिशुपाल वाला हिंदुस्तान नहीं है, जो 99 गलती माफ करने के बाद 100वीं गलती पर प्रहार करे। आज का हिंदुस्तान लखनलाल वाला हिंदुस्तान है कि शूर्पणखा सामने आएगी और आप अगर विरोध करेगी तो नाक काट दी जाएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आज का हिंदुस्तान क्या है कि विश्व को सिखाया गया ना प्रेम और बलिदान भारतीय ताकि आगे झुक गई दुनिया, कल जो ना जानते थे आज लोहा मानते हैं, किनके तराजुओं में तुक गई दुनिया, अरे प्रतिभा में धनी देश नित्य आगे बढ़ रहा, साहस को देखने को रुक गई दुनिया, और सारा विश्व गा रहा है गुण माता भारती के, हिंदुस्तानियों के आगे झुक गई दुनिया। और अभी जो विपक्ष है, राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा हल हो चुका है, लेकिन राम मंदिर के विषय पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि यार ताले हमने खुलवाए थे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सर इसके पहले तो जो आज सत्तारूढ़ पार्टी वो थी नहीं, तो ताले आपने अगर खुलवाए थे तो मेरा प्रश्न एक था कि ताले लगाए किसने थे। मैं तो सिर्फ एक प्रश्न इतना करना चाहता हूँ जो है देश की जनमानस पर कि खंडित करके सद्भावों को वोट बैंक को भरने में, राजनीति में राम अली को लड़वाते थे व्यस्त मारने मरने में, और जो हिंदू को बतलाते थे आतंकी का पर्यायी, आज लगे हैं वही खुद को हिंदू साबित करने में। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक मिनट मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अजनबी जी नहीं, नहीं अजनबी जी कुछ और रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि आपके सुनना बहुत सटीक लगते हैं। हाँ। तो हो जाए कुछ गाना। हाँ हाँ, पेरोडी सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ। ये पेरोडी का भैया बजाना, कि मोदी बनाएंगे सरकार, सीटें मिलेगी 400 पार, फिर हर साएगी मेरी लोकसभा, हर मन भाएगी मेरी लोकसभा, मोदी बनाएंगे फिर सरकार, सीटें मिलेगी 400 पार, फिर हर साएगी मेरी लोकसभा, हर मन भाएगी मेरी लोकसभा। दुनिया के देशों में जिसने भारत का मान बढ़ाया, देशभक्ति का जज्बा भाजपा ने परवान चढ़ाया, कर डाला आतंक को, कर डाला आतंक को भारत से दफा, कर डाला आतंक को भारत से दफा, फिर हर साएगी मेरी लोकसभा। एक मिनट सर, आ रही हूँ। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि हमें एक कलाकार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, वो है ये बच्चा। हेलो बेबी, हेलो बेबी। ये लगातार देखिए ड्रम बजाया जा रहा है, देखिए ये देखिए।
तो जहाँ कला होती है ना वहाँ कलाकार खुद ब खुद नजर आ ही जाते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब हमारे पास समय कम है तो जल्दी से एक और फरमाइश, जिसका हम वेट कर रहे थे, एक लेट लतीफ हमारे पीछे पहुँचा हुआ है। नाम मानव जी, मानव कहाँ थे अब तक आप? मैं कहीं गया हुआ था, इवेंट था मेरा। जल्दी से एक लास्ट सॉन्ग हो जाए, अपना बना ले प्या गाने वाले। ठीक है, मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बाद ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, मेरो का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, बना बना ले मुझे अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। बहुत बढ़िया जी सर। हेलो, अभी आपका न्यूज 18 कार्यक्रम जो है गांधी हॉल में हुआ और उसमें जिस तरह से आपने देखा और आप निराश हुई, निश्चित ही मुझे भी बहुत हर्ट हुआ है। इंदौर वासी ऐसे नहीं हो सकते हैं। जो स्थानीय पार्टी बीजेपी है उसके विरोधियों की नैतिकता जो है आपने देख ली है, और मैं तो इस संदर्भ में यही कहना चाहती हूँ कि कई बार चुनाव हुए हैं लेकिन अब ये जो चुनाव हो रहा है वो मोदी रोको प्रतियोगिता हो रही है शायद, ऐसा आपका वहाँ नजारा दिख रहा था। सर्वप्रथम न्यूज 18 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंदौर की धरा पर हैं हम और कुछ लोग कहते हैं चुनाव में ये नाइट कल्चर का, आप उन्होंने शायद 56 आकर के नहीं देखा, यहाँ का रंग यहाँ की चहल पहल आप देखिए तो इंदौर बहुत हंसी नजर आता है और इंदौर का डंका पूरे विश्व में है ही। हमारे एक कवि हैं प्रतीक चौहान, उनकी पंक्तियां हैं कि अगर कुछ गुनगुनाओगे हमारी याद आएगी, किसी से दिल लगाओगे हमारी याद आएगी, भुला पाना नहीं आशा हमें इतना समझ लीजिए, कभी इंदौर आओगे हमारी याद आएगी। और मैम इन दिनों जो चुनाव में की बात कर रहे हैं आप, चुनाव की एक बाइट है, मैं किसान का बेटा हूँ, किसान का दर्द समझता हूँ, चार पंक्तियां सुन लीजिएगा कि देश की मिट्टी को माथे पर वो मलता है, देश की मिट्टी को माथे पर वो मलता है, सदा गरीबी के अभावों में जीता है, बड़े बड़े भाषण देकर जो अपने घर को जाते हैं उन नेताओं का घर किसानों से चलता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दो कॉमेडी पंक्ति, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरे को आखिर परफॉर्मेंस जाना है वहाँ पर। एक तो बहुत शॉर्ट में, हाँ एक तो ये है कि सर फरमाइशें बढ़ती जा रही है आप लोगों के समय, मैंने खाया नहीं है सुबह से कुछ भी। अभी 56 पे, अभी 56 पे आपको खिलाएंगे ना, आपको 56 बस कह रहे हैं ये लोग, खिला नहीं, 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 नहीं मैम खिलाएंगे आपको। एक तो केजरीवाल जी जो हमारे जेल गए हैं उनपे मैंने लिखा था कि बाल की खाल से बाल निकालना भी कमाल है, बाल की खाल से बाल निकालना भी कमाल है, चाल की ढाल पे चाल चलना भी बवाल है, ईडी के बुलाने पर भी न जाने का मलाल है, जेल में तेल पी रहा है जो वही केजरीवाल है। देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, हम कितनी बात कर ले एक बात तय है कि आएगा तो मोदी। ठीक है आ जाइए, नहीं नहीं तो ये आपने अपना टाइम ले लिया, चलिए लास्ट परफॉर्मेंस। तो लास्ट एक हम लोग पेट्रियोटिक सॉन्ग लेने वाले हैं। ठीक है चलो स्टार्ट। वंदे मातरम।
गाड़ी के चार पहिए होते हैं, सभी साथ चलते हैं तभी गाड़ी स्मूथली चल पाती है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें अपने बड़ों का भी ध्यान रखना है और अपने छोटों को भी साथ लेकर चलना है। और न्यूज 18 नेटवर्क के जरिए तमाम जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, चुनाव की हलचल भी और आम जनता का मूड भी देख रही है आप न्यूज 18। और आपके साथ मैं हूं अपर्णा, मेरे साथ मेरे विजय हैं अजय तंवर, लगातार हम आप तक हर हलचल पहुंचाते रहेंगे।